ने 2 जून को स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 350वां राज्याभिषेक सोलह रायगढ़ पे होने वाला है, और वो राज्याभिषेक के कालखंड में हिंदुस्तान के बहुत सारे नदी में पूरी नदियों का पानी इकट्ठा करके उसके कलश बनाए हैं, वो हजार के ऊपर है, और वो कलश यहाँ से अभी आहिस्ता आहिस्ता रायगढ़ की ओर आगे कुछ कर रहे हैं। तो वासी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के बाजू में ही उनका स्वागत करके वो पुतले को भी सम्मानित करके और कलश को भी माला अर्पण करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो आदर है वो व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म यदि महाराष्ट्र में हुआ होगा, हिंदुस्तान में के राजा करके लोग बोलते होंगे, लेकिन दुनिया में आदर्श राजा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। आरमार की जो स्थापना, जिसको अपन नेवल कमांड बोलते हैं, उस टाइम में उसकी स्थापना की, कान्होजी अंग्रे को उसका लीडर बनाया, और इस इलाके के अग्री कोली और जो समाज के लोगों ने उस टाइम में चिमाजी अप्पा ने वसई पे जो हल्ला किया, जो वसई किला जीत लिया, उस टाइम में भी यहाँ का समाज शिवाजी महाराज के विचारों से प्रभावित रहा था, और आज भी लोग वही विचार से प्रभावित हैं।